जब आप मार्केट में जाते हो और कोई जूते पहन ही नहीं रहे, सॉरी नहीं नहीं यार, सॉरी कोई बात नहीं यार। दोस्तों, हम में से बहुत सारा लोग होंगे जिनको लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है एंड सपने भी हम ऐसे ही देखते हैं, बट कुछ लोग इस सपने को पूरा कर पाता है एंड कुछ लोग लाइफ में अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। हमारे इस प्रॉब्लम भरे जिंदगी को सुधारने के लिए हम प्रयास जरूर करते होंगे। आखिर कौन नहीं चाहता होगा अपने लाइफ को बेटर करे, कौन नहीं चाहता होगा अपने माता पिता को एक अच्छे घर में रखे, अपने लाइफ पार्टनर को एक अच्छे जिंदगी दे, अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में एडमिशन करवाए। एंड ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हम एक अच्छे बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। एंड इसी सपना को पूरा करने के लिए आप और मेरी तरह बैंगलोर में रहने वाला एक 45 इयर्स ओल्ड आदमी जिन्होंने अपने शू बिजनेस को चलाने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फ्लैटहेड्स शू की फाउंडर मिस्टर गणेश बालाकृष्ण के बारे में। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ दिन बाद ही अपना बिजनेस पूरा डूब जाता है, सारे पैसे खत्म हो जाता है एंड अपने एम्प्लॉयज को भी सैलरी पे करने तक पैसा नहीं होता है एंड चारों तरफ उन्हें सिर्फ अंधेरा एंड प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखता है। एंड नॉट ओनली दिस, इवन अपनी फैमिली को भी चलाने के लिए पैसा नहीं होता है उनके पास। एंड तब उन्हें एक ही होप दिखाई देता है, दैट इज शार्क टैंक इंडिया की मंच। गणेश बालाकृष्णा एक IIT IIM वाला हाईली क्वालिफाइड पर्सन है जिन्होंने शार्क टैंक इंडिया की हर एक जज को रुलाया था एंड साथ में पूरे हिंदुस्तान की दिल जीत लिया था। मे बी उन्होंने एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाया, बट डेफिनेटली उन्होंने अपने लाइफ में जीत हासिल किया होगा। गणेश बालाकृष्ण की इस स्ट्रगल को देख के बोट की फाउंडर अमन गुप्ता ने बोला था, यू आर डेफिनेटली डाउन माई फ्रेंड बट यू आर नॉट आउट। उनकी इस पर्सनैलिटी को देख के एमक्योर फार्मा की फाउंडर नमिता ने कहा, आपकी ऑनेस्टी इज फेनोमिनल। कहते हैं हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। आई थिंक ही इज दैट काइंड ऑफ अमेजिंग पर्सन। शार्क टैंक सीजन 2 की इस एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था 6 January 2023 एंड इस एपिसोड के टेलीकास्ट होते ही इंटरनेट पे स्टॉर्म उठा था गणेश जी की ऑनेस्टी को देख के। लिंक्डइन पे 10,000 फॉलोअर से 1,65,000 फॉलोअर हो गया था एंड विद इन 48 आवर्स पूरे के पूरे इन्वेंटरी सोल्ड आउट हो गया था। इस एपिसोड के टेलीकास्ट होने के बाद शार्क टैंक की हर एक जज गणेश जी के बारे में कुछ ना कुछ मैसेज लिखा है। मैं खुद इस एपिसोड को देख के दो बार रोया था एंड आई डू बिलीव मैं अकेला नहीं, मेरी तरह बहुत सारा ऑडियंस होंगे जिन्होंने रोया होगा। इफ़ यू डू सो देन प्लीज कॉमेंट करके बताना एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज, वट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद गणेश जी की फ्लैट हेड शू बिजनेस? क्यों गणेश जी की बिजनेस आज डूब गया एंड गणेश जी की प्रेजेंट सिचुएशन अभी क्या है, किस दौर से वो अब गुजर रहा है, हम लोग जानेंगे एवरीथिंग इन दिस वीडियो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या बिजनेस लेसन हम सीख पाएंगे इस केस से। दोस्तों, शार्क टैंक इंडिया सोनीड एंटरटेनमेंट टेलीविजन की एक बहुत ही पॉपुलर शो है जहां हर एक स्टार्टअप की तरह फ्लैट हेड शो की फाउंडर गणेश बालाकृष्ण भी आए थे फंड रेज करने, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई फंड नहीं मिला था ड्यू टू हिज पुअर बिजनेस कंडीशंस। गणेश जी की बिजनेस आज बहुत ही खराब सिचुएशन में है। बाहर से उन्होंने ऑलरेडी 10 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। गणेश जी एंड उनके और एक को फाउंडर दोनों मिलकर 35 लाख करके ईच ऑलरेडी 70 लाख अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर चुका है। उनकी बिजनेस अब पूरी तरह से बढ़वती की तरफ जा रहा है। बट गणेश जी की इस हालत के पीछे रीजन क्या है जहां शू की बिजनेस को एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है? वेल, गणेश जी के बिजनेस के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा गणेश जी के बारे में जानना होगा। गणेश बालाकृष्ण एक मैकेनिकल इंजीनियर है। गणेश जी की एक 10 साल की बेटी है एंड उनकी वाइफ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड गणेश जी अपना इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे से किया था। आफ्टर दैट उन्होंने अमेरिका में टॉप लीडरशिप पोजीशन में जॉब किया करता था एंड 2004 में गणेश जी बैंगलोर रिटर्न आया एंड अपना MBA कंप्लीट किया। MBA कंप्लीट करने के बाद उन्होंने हनीवेल नाम के एक कंपनी में ज्वाइन किया था जहां उन्हें पहली बार उत्कर्ष नाम के एक को-फाउंडर से मुलाकात हुआ एंड इसके बाद दोनों मिलके 10 साल की एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी शुरू किया एंड अगले 10 सालों में दोनों मिलके 3 स्टार्टअप खड़ा किया। उन लोगों की फर्स्ट स्टार्टअप था मोमो। मोमो एक डिजिटल पेमेंट वॉलेट होता है जस्ट लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम एंड बाद में मोमो को शॉपक्लूज ने एक्वायर कर लिया था। शॉपक्लूज से एग्जिट लेने के बाद 2018 में गणेश जी को फर्स्ट टाइम फ्लैट हेड्स की आइडिया आया था। एक्चुअली गणेश बालाकृष्ण एक टोटली डिफरेंट पर्सन है। उन्होंने लाइफ को हमेशा अलग नजरों से देखा है। उन्होंने नोटिस किया लोग जब शू और स्नीकर्स पहनते हैं पसीना के वजह से शू से एक बैड स्मेल आता है एंड इसी चीज का समाधान करने के लिए उन्होंने एक अलग टाइप का शू बनाना स्टार्ट किया जो कि बैम्बू ट्री एंड बनाना ट्री से बनते हैं।
बट गणेश जी के इस शू मार्केट में उतना चले नहीं ड्यू टू हाई प्राइस। वोट की फाउंडर अमन गुप्ता ने चार चीज फाइंड आउट की थी गणेश जी की बिजनेस में, जैसे कि प्राइस, प्रोडक्ट्स, प्रमोशन, प्लेस, एंड ये सब चीज मिसिंग था। फ्लैटेड शू की स्टार्टिंग रेंज होता है 4000 से 5000 के बीच में, जो इंडियन मार्केट में एक्सट्रीमली हाई है। एक्चुअली फ्लैटेड एक प्रीमियम सेगमेंट में आता है जो इंडियन मार्केट के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होता है। एंड द मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ फ्लैटेड, 5000 की जूता बेचने के लिए उन्हें 3000 मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ता है, एंड एट द एंड हर जूते के लिए उन्हें ह्यूज लॉस होता है। 15 लाख की जूता सेल करने के लिए उन्हें 5.5 लाख मार्केटिंग में खर्चा करना पड़ता है। दैट वाज बिगेस्ट मिस्टेक जो पीयूष से अनुपम हर एक जज ने पॉइंट आउट किया था, एज इंडियन मार्केट में ये जूता चले नहीं। इसीलिए गणेश जी शार्क टैंक में आए थे 75 लाख रेस करने के लिए, सो दैट वो अब इस जूता यूएस मार्केट में लॉन्च कर सके। एंड यहाँ पे सुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर विनीता सिंह ने एक अच्छी चीज बोली थी, अगर हम लोग 75 लाख आपको दे भी दिया देन ये भी जल जाएगी जैसे 10 करोड़ जल गई। बट एट द एंड लेंसकट की फाउंडर प्यूज ने 75 लाख की फंड ऑफर की थी, बदले में 33% कंपनी की ओनरशिप उन्हें देना होगा, बट गणेश जी एक्सेप्ट नहीं किया एंड डील कैंसिल हो गया था। जब उन्होंने शार्क टैंक से घर वापस रिटर्न आया, विद इन 48 आवर्स पूरे के पूरे इन्वेंटरी सोल्ड आउट हो गया था, एंड मेनी पीपल आर कॉन्टेक्टिंग हिम टूडे एंड दे आर रनिंग अ स्पेशल कैंपेन नाउ। शो के साथ अब टी शर्ट शर्ट भी सेल करने लगा है, एंड आई प्रे टू गॉड फ्लैटेड्स को और एक बार रिवाइव करने का मौका मिले। सो गाइज, हमें इस केस से एक बहुत ही अच्छी चीज सीखने को मिला, हमें कभी भी कैश बर्निंग बिजनेस नहीं करना चाहिए। 100 रुपया का सामान को बेचने के लिए हमें 150 रुपया का खर्चा नहीं करना चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइज आज का वीडियो में। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। थैंक यू सो मच।